आज हम चैप्टर 3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आज स्टडी करेंगे। आज सिर्फ एक कंसेप्ट हमने स्टडी करना है और वो है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में ये आपको चैप्टर 3 सेक्शन 1.3 में मिलेगा और इससे रिलेटेड जो आईकैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं वो आपको 3.1B और 3.7C ये क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेट करते हैं। हाईली रिकमेंडेड कि आप जब ये रीडिंग करें उसके बाद एंड में ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। अगर तो आप आईकैप की बुक से रीडिंग कर रहे हैं तो आईकैप की बुक से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वरना अगर आप प्राइस वाली बुक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। अगर आप चैप्टर एंड पे जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्या है इलास्टिसिटी का? इलास्टिसिटी हमें ये बताती है, देखिए चैप्टर 2 प्रीवियस जो था ये उसकी एक्सटेंशन है। चैप्टर 2 में हमने ये सीखा था कि किसी एक चीज़ की प्राइस कम हो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी, चैप्टर 2 में ये तो सीखा। लेकिन प्राइस के कितना चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगी ये क्वांटिफिकेशन नहीं सिखाई चैप्टर 2 ने। चैप्टर 2 ने हमें जनरल डायरेक्शन बता दी, प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों में प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं पे वो इंक्रीज़ हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आता है, कभी इंक्रीज़ मामूली सा होता है। तो इस चैप्टर में वो हमें सिखा रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड या सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो क्वांटिफिकेशन भी सिखाएगा। यानी आज के बाद इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम ना सिर्फ ये बता सकें कि प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है, बल्कि ये भी बता सकेंगे कि प्राइस कितने परसेंट कम करोगे तो डिमांड कितने परसेंट ज़्यादा होगी। ये क्वांटिफिकेशन, और जहन में रखिएगा कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, हम इकोनॉमिक्स तो है बेसिकली बिजनेस पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने पाकिस्तान का बजट नहीं बनाना, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना पाकिस्तान का, बिजनेस डिसीजन के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और बिजनेसमैन के लिए असल चीज़ यही है पता चले कि मैंने प्राइस कितनी कम करूँगा तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, ताकि वो डिसाइड कर सके कि मुझे किस हद तक प्राइस को कम करना है, या प्राइस अगर ज़्यादा करना है तो वो किस हद तक मैंने उसको इंक्रीज करना। तो इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बता रहा है इलास्टिसिटी। अब देखिए, जैसे लॉ जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, वो लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा, उस कंसेप्ट को सामने रख के मुझे बताइए क्या इलास्टिसिटी सिर्फ डिमांड पे एप्लीकेबल होगी या सप्लाई पे भी होगी? सप्लाई पे भी होगी, दोनों पे होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि ये क्वांटिफाई करना, मेजर करना कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे कितने परसेंट चेंज आता है, ये मेजर करना, इसे क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और अगर ये मेजर करना हो कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से डिमांड पे कितने परसेंट इफेक्ट आता है, ये क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसके आगे 3 वेरिएंट्स हैं। यानी हम डिमांड पे इफेक्ट अगर देखें कि कितने परसेंट डिमांड बढ़ी, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से तो नहीं बढ़ती, चेंज होती, और भी फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। तो अगर हम देखें डिमांड कितने परसेंट चेंज हुई, किस वजह से? लोगों की इनकम चेंज होने की वजह से, डिटरमिनेंट चेंज कर दिया। तो अब इस इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिमांड के डिटरमिनेंट में सिर्फ प्राइस और इनकम थोड़ा ही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी तो एक डिटरमिनेंट है। रिलेटेड गुड्स में आपको पता है 2 तरह की गुड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट गुड। तो अगर सब्स्टिट्यूट या कम्प्लीमेंट गुड की प्राइस चेंज होने से हमारी मेन गुड की डिमांड में कितना फर्क आ रहा है ये चेक करें तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स और भी हैं, वो कहते हैं लेकिन बड़े डिटरमिनेंट्स हैं यहाँ, इसलिए और हमने वेरिएंट्स नहीं निकाले, ठीक है। अच्छा, अब इलास्टिसिटी सप्लाई की भी कैलकुलेट होती है, इलास्टिसिटी डिमांड की भी कैलकुलेट होती है।
लेके हमारे सिलेबस में दोनों है, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हमसे एग्जाम में कैलकुलेशन करवाता है और प्रैक्टिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, हम कौन सी है वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की। और डिमांड में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन फर्क ध्यान में रखना है आपने। देखे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है हमने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड का ताल्लुक किससे बनाया जाता है, प्राइस में चेंज करके देखा जाता है डिमांड कितनी चेंज हुई है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखा जाएगा कि इनकम की चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना फर्क आता है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखा जाएगा, अदर गुड्स के प्राइसेस चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ता है। ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे अहम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन इसके हैं। हाँ, इनकम के भी हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के भी हैं, कि सबसे ज्यादा इसके। और अगर आप ये समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, ये सिर्फ 15-15 मिनट का काम है, असल है ये। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो कहे अच्छा इसका फार्मूला भी लिख के दो। तो हम इसी को, अगर आप इसी को डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपल इंग्लिश में लिखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेफिनेशन हो गई। और फिर नीचे अगर इसका फार्मूला लिखना हो वो भी बहुत आसान, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डिवाइडेड बाय का साइन है, ये मैं कोशिश कर रहा था यहां पे लिखूं लेकिन जगह कम थी, मैंने मजबूरन आगे लिखा। यहां पे लिखता तो शायद ज्यादा आसानी से आपको समझ आता। कि ये भी समझ आ रहा है, आ गया, बिल्कुल ठीक है। कि इसमें ऊपर कौन सी चीज है, डिमांड, और नीचे कौन सी चीज है, ये मुझे लगता है सही समझ नहीं आ रहा। नहीं तो अच्छा, आपने अगर जिंदगी में एक दफा भी प्राइस ऊपर कर दी और डिमांड नीचे कर दी ना, तो फिर मैंने ये हर लेक्चर में ये फार्मूला इधर लिखूंगा फिर आपके सामने, और वो नीचे बटा के साथ, डिवाइडेड बाय वाले के साथ। तो समझ आ रही है अभी? चले अभी मैं आपकी बात में एतबार कर लेता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये नहीं समझना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस पहले आ रहा है, डिमांड बाद में आ रहा है, तो मैं प्राइस ऊपर ले जाऊं डिमांड नीचे कर लूं। नहीं नहीं, ये नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी टाइप्स हैं, 5। यानी गुड्स, गुड्स जो है वो 5 टाइप्स, 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं हम। कहते हैं एक है बहुत ही ज्यादा इलास्टिक, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक, एक है ज्यादा इलास्टिक, एक है यूनिट इलास्टिक, एक है कम इलास्टिक, एक बहुत ही कम इलास्टिक, ठीक है। इस तरह उसने हमें टाइप बताई। असल में देखिए, पहले कंसेप्ट समझ लें, इसकी तरफ मैं भी लेके आता हूं आपको। क्या आप अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं कि ये तो हर कॉमन बात है ना कि प्राइस बढ़ेगी तो हर चीज की डिमांड कम होगी, लेकिन क्या आप देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है कुछ चीजों की डिमांड कम होती है, डिमांड पे फर्क कम पड़ता है, कुछ चीजों की डिमांड पे फर्क ज्यादा पड़ता है। ये कभी आपने ऑब्जर्व किया? जैसे पेट्रोल की प्राइस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, अगर आप इनकी प्राइसेस को बढ़ाएं, इनकी डिमांड पे फर्क बहुत कम पड़ता है, मामूली सा। लेकिन इसी तरह अगर आप कुछ चीजों की, जैसे वो हमारे वो जो मिनरल वाटर होता है, ये अगर आप 10-15-20 रुपए भी कोई एक कंपनी बढ़ा दे तो कंज्यूमर उसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं भाई दूसरी की चीज ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो कुछ चीजों के केस में प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कम करता है,
कुछ चीजों के केस में प्राइस बढ़े, कंज्यूमर रिस्पॉन्ड ज्यादा करता है। तो इकोनॉमिस्ट ये चाह रहे थे कि मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं इन्हें हम कुछ मुख्तलिफ दर्जा बंदी कर दें इनके, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें प्राइस चेंज हो तो डिमांड पे इफेक्ट बहुत ही ज्यादा आता है, इनकी कैटेगरी लैदा बना दें। कुछ चीजें ऐसी जिनमें प्राइस चेंज हो डिमांड पे इफेक्ट ज्यादा आता है लेकिन वो ज्यादा होता, बहुत ही ज्यादा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें प्राइस चेंज हो डिमांड उस हिसाब से उतनी ही चेंज होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें प्राइस चेंज करे डिमांड में चेंज आता है लेकिन थोड़ा सा, मामूली सा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें प्राइस चेंज हो तो डिमांड में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो बिजली, अब देखें बिजली की प्राइस बढ़ेगी क्या हम उसको इस्तेमाल करना थोड़ी छोड़ देंगे, वो तो हमने इस्तेमाल करने ही करने हैं, तो मजबूरन हमें बिल अदा करना पड़ता है। तो इसी तरह पेट्रोल है, जो बंदा बाइक चला रहा है अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी ये थोड़ी होगा वो कहेगा भाई बाइक बंद कर देता हूं, आज मैं पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना, मजबूर है ना, इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, पानी नहीं डालेगा, पानी डालेगा तैर के जाएगा, कश्ती बना लेगा उसको नहीं। तो इस लिहाज से इकोनॉमिस्ट ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 हिस्सों में क्लासीफाई किया है। एक हिस्सा उन चीजों को शो करने के लिए जिनकी प्राइस चेंज हो तो डिमांड पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, ये एक एक्सट्रीम है कि प्राइस चेंज, जरा सी भी प्राइस चेंज हो ना, मामूली सी, ना होने के बराबर, बहुत ही मामूली सी प्राइस भी चेंज हो ना डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है, परफेक्ट इन इलास्टिक, जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा चेंज करते रहे चाहे आप लेकिन डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम क्या है, थोड़ी सी भी आप 1% प्राइस चेंज कर देना डिमांड पे, समझ लीजिए 1000% फर्क पड़ेगा, वो उधर है, वो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और अगर एक एक्सट्रीम ये है, अगर आप 20-25-50-100% भी प्राइस इंक्रीज कर दें डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक एक्सट्रीम है। और फिर वो दरमियान की हैं टाइप्स, कि अगर फर्क ज्यादा पड़े कम पड़े, फर्क एक बराबर पड़े तो क्या होना, भाई कुछ कुछ बात समझ आते हैं, आगे चलो। अच्छा मुझे ये बताइए, ये इक्वेशन जहन में रखनी है, ये मेरी तसल्ली नहीं हो रही, मैं इधर लिख रहा हूँ, रिमाइंड ना कीजिएगा बस, असल में ना मुझे मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। ये प्राइस फार्मूला यहाँ लिख रहा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन, प्राइस की बात आगे देना, इसीलिए मैं कह रहा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा आप देखें, एक टाइप है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का कंसेप्ट क्या है, यूनिट इलास्टिक का कंसेप्ट है कि प्राइस इंक्रीज करेंगे डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन जितने परसेंट प्राइस इंक्रीज करेंगे डिमांड उतने परसेंट ही डिक्रीज होगी, हिसाब बराबर रहेगा। जितने परसेंट प्राइस इंक्रीज करेंगे डिमांड परसेंट ही डिक्रीज, और जितने परसेंट प्राइस डिक्रीज करेंगे उतने परसेंट ही डिमांड इंक्रीज होगी। जरा इस फार्मूले को जहन में रख के बताइए, अगर केस है यूनिट इलास्टिक का, यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि जितने परसेंट प्राइस इंक्रीज करेंगे डिमांड उतने परसेंट ही डिक्रीज करेगी, या जितने परसेंट प्राइस डिक्रीज करेंगे डिमांड उतने परसेंट ही इंक्रीज करेगी। इन शॉर्ट, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा उतने परसेंट ही डिमांड में चेंज आएगा, यह है यूनिट इलास्टिक। अगर यूनिट इलास्टिक, अगर मैथ के एक्सपर्ट बैठे हैं तो बताइए, अगर यूनिट इलास्टिक डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल है, आंसर क्या आएगा, अच्छा आ गए, बिल्कुल फन। इसका मतलब है
कि अगर डिमांड किसी गुड की यूनिट इलास्टिक है, उसकी हम इलास्टिक और डिमांड अगर कैलकुलेट करें, अभी कैलकुलेट करवा नहीं रहा, लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा? वन। फिर बताइए यूनिट इलास्टिक डिमांड में आंसर क्या आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन है, उसी सवाल का दूसरे एंगल से पूछ रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन है इसका मतलब क्या है, और यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? कि जितने परसेंट प्राइस चेंज होगी उतने परसेंट ही डिमांड चेंज होगी। भाई एक कंसेप्ट समझ आया क्या? नहीं? आगे चलते हैं। फिर है यूनिट इलास्टिक के बाद है एक और टर्म जिसे कहते हैं इलास्टिक, या उसे कहते हैं हाईली इलास्टिक भी कहते हैं, इसे रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं। इलास्टिक को और क्या कहते हैं? हाईली इलास्टिक भी, रिलेटिव इलास्टिक भी, रिलेटिवली इलास्टिक भी। ठीक, हाईली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा ये क्या होती है सुन लीजिए, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज ज्यादा आ जाए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज ज्यादा आ जाए, डिमांड में ज्यादा परसेंट चेंज आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक। मैंने भी सिर्फ इलास्टिक नहीं, सिर्फ तो हम वैसे बता रहे हैं ना, मतलब इलास्टिक यानी अगर 10% प्राइस चेंज होने से डिमांड 10% चेंज हो तो हमारी डिमांड कौन सी है? शाबाश यूनिट। 10% प्राइस चेंज होने से डिमांड 20% चेंज हो, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक। तो मुझे जरा सोच के बताइए कि इलास्टिक डिमांड के केस में बताइए आंसर क्या आएगा? मोर देन वन, शाबाश। तो यहां पे हमने लिखा इस इलास्टिक के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन। भी समझ आया? समझ आया तो फिर बताइए, अगर प्राइस में 10% चेंज आया और डिमांड में भी 10% चेंज आया, प्राइस में 10% चेंज आया, डिमांड में 20% चेंज आया, प्राइस में 10% चेंज आया, डिमांड में 5% चेंज आया। ये तो मैंने समझाया नहीं था, आपको कैसे पता चला? बिलतुक्का बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जीनियस, आइंदा जीनियस कहो ना तो ऐसे ना करना जीनियस, ये जीनियस ऐसे कहते हैं। चले आगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे सोचिए, सोचिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कैलकुलेट करेंगे, अभी सिखा नहीं रहा कैलकुलेट करना, अगर कैलकुलेट करेंगे तो गैस कीजिए आंसर क्या आएगा? लेस देन वन। क्योंकि अगर देखें परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है, डिमांड 5% है, तो आके आंसर कम ही होगा ना। तो इसमें इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन वन, लेस देन वन। यानी इतनी फारे पढ़ाता हूं मैं। अच्छा पढ़ाता तो मैं फारे ही हूं वैसे है, लेकिन मैं स्टूडेंट को नहीं पता चलने देता। चल आगे चलते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक, अब सुने, प्राइस में चेंज हो डिमांड में चेंज जीरो हो जाए, परफेक्ट। अगर प्राइस में चेंज हो डिमांड में कोई चेंज आए ही ना, परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस में चेंज आए डिमांड में चेंज आए ही नहीं। अच्छा फिर बताइए जरा मैथ के कंसेप्ट को सामने रख के बताइए, जीरो जीरो, शाबाश। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। अब असल में मैथ के एक्सपर्ट लोगों का काम आया, अगर प्राइस में चेंज आए ना होने के बराबर, मामूली सी,
मैथ में एक जगह मैं पढ़ा था, पता नहीं सही पढ़ा कि गलत पढ़ा बताइएगा, कि कोई जब 0.00000000000000001 आ जाए ना तो उसे हम जीरो ही समझते हैं। इस तरह की कोई कंसर्ट पढ़ा आपने? हाँ, तो सुन ले, अगर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत ही कम, इतनी के जीरो के बराबर हो, 0.00000000001, और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाए बहुत ज्यादा। अब देखें नीचे जीरो आ गया ना, और जब डिवाइड करें जीरो से तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक में हम कहते हैं ये इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी ऐसे होता है ना। चले बस ठीक है, ठीक ये प्लस है। बस ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी। नहीं नहीं समझ आ गया ना, समझ। वो बंद करते हैं इसका। ये ले अब ठीक है, बस कर लें गुजारा। नहीं आप उधर ले गए, मुझे कंसेप्ट ही सारा भूल गया। शुरू से शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वजह से सही सच में बोला दिया, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में 10% चेंज आया, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में 15% चेंज आया, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में 5% चेंज आया, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में 0% चेंज आया, और 0% तकरीबन प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में 1000% चेंज आया। अब भाई ठहर रहे, आई कैप कहेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, तो वो किसने बनाना है डायग्राम? समझ नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल कहें दोबारा समझाएं सर, डायग्राम से समझाएं। अब सुनो बिल्कुल ठीक, परफेक्टली इन इलाज। अब देखें हर एक को हमने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, और आपने ध्यान रखना है इस चीज का। देखें डायग्राम कैसे बनेंगे। अब देखें मुझे बताइए, ये जो खंबा है, कभी आपने देखा होगा, अगर आप इस, नहीं इधर कोई खंबा नहीं है, वो देखना शुरू हो किधर खंबा है, इधर किधर खंबा आएगा, अगर आप इसको जाके हिलाएं जुलाएं तो ये क्या करता है? नहीं हिलता, उसी जगह खड़ा रहता, उसी जगह खड़ा रहता। तो ये परफेक्टली, देखें जब कभी परफेक्टली इन इलास्टिक की बात हो ना कि चेंज नहीं होती, आपके जहन में खंबा आ जाना चाहिए, खंबा आ जाना बिल्कुल। तो आई कैप कहे परफेक्टली इन इलास्टिक की डायग्राम बनाओ, शाबाश बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मजाक समझ रहे हैं, बाकी ये ठीक है। लेकिन एक गलती की मैंने इसमें ना, 19-20 हमने पहले एग्री किया हुआ है, लेबलिंग की गलती, शाबाश। ये इसके ऊपर डी किसने लिखना है? अब आप कहें सर ऐसा डिमांड करो तो आज तक हमने देखा ही नहीं। भाई ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, इसीलिए ऐसा, इसीलिए ऐसा। अब मैं आपसे ये कहूं, अलहदा से रफ से एग्जांपल दे रहा हूं, भाई ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? सारे सही है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आपका एहसास हो रहा है इनमें फर्क किस चीज का है? इलास्टिसिटी स्लोप का, इलास्टिसिटी का। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। नहीं ये ऐसे। अब देखें परफेक्टली इन इलास्टिक, ये अब क्या करना है? आई कैप कहता है इन इलास्टिक बनाओ, जरा सा टिक, ऐसे जो घड़ी होती है ना, टिक 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 टिक, सुई आती है ना, हाँ वो उस तरफ जा, आपके हिसाब से उस तरफ है, मेरे हिसाब से इस तरफ है। ये है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, इसका बनाना है इन इलास्टिक, हल्का सा टिक, घड़ी उसी बात,
ये आपका बन जाएगा कौन सा? इन इलास्टिक कर्व, इन इलास्टिक। ये देखिएगा इन इलास्टिक कर्व बनने लगा। मैं इधर था, ये हल्का सा टिक डिमांड। देखें ये अगर आप मैथ के एक्सपर्ट है तो देखिएगा ये 45 का एंगल नहीं है, ये कोई 60 के करीब का एंगल है, 58.745। लेकिन करीब तरीन जो आप दुरुस्त मानते डिमांड। और देखें एक टिक, ये एक टिक हुआ है। अगर मैं इसको देखें, ये हो गया इन इलास्टिक, ठीक है। अगर मैं इसको एक ये परफेक्ट इन इलास्टिक, पहला टिक इन इलास्टिक, दूसरा टिक 45 के एंगल पे, ये क्या बन जाएगा वाला? यूनिट इलास्टिक, शाबाश। अब ये देखिएगा तकरीबन, देखिए 45 का एंगल है इसमें और इसमें फर्क समझ नजर आ रहा है? मेरी इस पर कोई तसल्ली नहीं हो रही, ये टिक मैंने ज्यादा करे, ये ठीक है। अब ये देखिए सीधी लाइन नहीं है, ये ठीक है सीधी लाइन नहीं है, बस हल्का सा मैंने उसको एंगल दिया हल्का सा। तो वो तो जानबूझ के भैया वो इन इलास्टिक जो है बिल्कुल सीधी होती तो परफेक्टली इन इलास्टिक ना हो जाती। नहीं मुतमिन है कि एक दफा फिर बना दो, पता चल गया ना इन इलास्टिक कैसे बने? हल्का सा एक टिक कराना इधर, फिर दूसरा टिक करा के 45 का एंगल, परफेक्टली इन इलास्टिक, टिक टिक टिक। हाँ इलास्टिक इसका मतलब है तकरीबन स्ट्रेट आएगी ये देखे, ये तकरीबन स्ट्रेट है। देखे 45 का एंगल नहीं है और 90 का भी नहीं, 180 का भी नहीं, जो भी सीधी लाइन भी नहीं है, जो भी एंगल समझ लें। फर्क देखिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी, इसका मतलब ये। अब देखें एक और टिक कर देंगे क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक, ये ले। अब ये कौन सा आया? परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर हुए भाई? परफेक्टली इलास्टिक, टेक 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 टेक, परफेक्टली इलास्टिक। अभी बात पूरी नहीं हुई है लेकिन पहले आपको डायग्राम बनाने समझा रहा हूं। खास तौर पे आपने इन इलास्टिक को ध्यान से बनाना है। इन इलास्टिक बनते हुए मेरे से भी अक्सर वो यूनिट इलास्टिक ही बन जाती है 45 का एंगल। वो फुटा रखे ना, अगर फुटा मेरे पास होता तो मैं बिल्कुल तकरीबन सीधी रख के ना हल्का सा एंगल दे के उसे लाइन ड्रॉ करता। ये फुटे से लाइन ड्रॉ करें, फ्री हैंड से ये 45 की आ जाती होती है, समझ आ गया? अच्छा अब देखें, वो कहता नहीं भाई ये डायग्राम में कर्व तो आ गया, साबित करो कि वाकई ये यूनिट इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। हमने कहा लो सुनो, इन इलास्टिक का फार्मूला क्या था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन इक्वल टू या मोर देन परसेंटेज डिफरेंस। इन इलास्टिक का फार्मूला क्या था? परसेंटेज इन डिमांड लेस देन चेंज। के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं ना। अब देखिए मैं करने क्या लगा, मैंने कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो थोड़े से ज्यादा मतलब डिस्टेंट लोकेशन पे हो, बिल्कुल करीब करीब ना हो। आपको पता डायग्राम का सूल होता है, कोई भी पॉइंट कर बिल्कुल करीब करीब नहीं बनाते। एक ये, एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा कोई भी, यहां भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने फर्स्ट कीजिए एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, देखें इस पॉइंट पे जरा गौर से देखिएगा, इस पॉइंट पे डिमांड क्या है, ये इस पे प्राइस क्या है, इस पॉइंट। अब ये पॉइंट चेंज होकर ऊपर आ गया, यहां पे डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ये, यहां पे प्राइस क्या है। अब खुद बताइए इस पॉइंट पे थे, प्राइस क्वांटिटी चेंज हुई
इधर से इधर गए, क्वांटिटी ये चेंज हुई, प्राइस ये चेंज। खुद बताइए, प्राइस चेंज हुई तो डिमांड में चेंज इक्वल आया, ज्यादा आया कि कम आया? तो साबित हो गया ये हमारा इनइलास्टिक का कर्व। आगे चलते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक में भी यही है जोन, कोई से दो पॉइंट हमने सेलेक्ट करने हैं, कोशिश करनी है डिस्टेंट लोकेशन पे, जरा थोड़े से फासले पे हो डायग्राम की, ताकि जो डिफरेंस है हमें क्लियरली नजर आए। अगर क्लोज रखेंगे ना तो डिफरेंस क्लियर नजर नहीं आएगा आपको। एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल ये, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ये, अब इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड ये है और इस पे प्राइस ये। इस पॉइंट पे डिमांड ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि मेरा कर्व ठीक है, कर्व मैंने बना पिछले स्टेप में लिया था, ये मैं उसको साबित करके दे रहा हूं कि डेफिनेशन के हिसाब से मेरा कर्व ठीक है। इस पे क्वांटिटी डिमांडेड ये, प्राइस ये। अब देखे पहले इस पॉइंट पे थे, अब इस पॉइंट पे आ गए हैं, प्राइस में कितना चेंज आया और डिमांड में कितना चेंज आया? अब खुद बताइए, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आया वो ज्यादा है प्राइस की निस्बत, कम है कि इक्वल है? तो ये कौन से वाला हुआ? इलास्टिक डिमांड में। ये फर्क समझ आया? अब आते हैं यूनिट इलास्टिक की तरफ। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये कर लिया, इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड ये, इस पॉइंट पे प्राइस ये, इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड ये और इस पॉइंट पे प्राइस ये। अब खुद बताइए, ये देखें प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में चेंज देखें तकरीबन उतना ही है कि नहीं है? उन्नीस बीस चल जाएगा, नहीं दिल नहीं मान रहा, नहीं इक्वल नहीं है ये, नहीं दोबारा बनाते हैं। नहीं नहीं यहां मुझे समझ आ गई, ये लाइन ड्रॉ करते हुए ना थोड़ा सा उधर चला गया यहां पे। हाँ ये ले, अब इक्वल आया कि नहीं आया? अब भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूनिट इलास्टिक डिमांड है भाई। अब ये डायग्राम बनानी आ गई आपको? अब यहां पे हमने पॉइंट्स को शो नहीं करना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने ये जो चेंज है इसको शो नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब ये देखें, टाइप्स ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड कितने हैं? फाइव टाइप्स है, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। हमने डायग्राम भी बनाई और डायग्राम में आपने सिर्फ कर्व नहीं बनाने, उसको प्रूव करना है एरोज के जरिए से कि भाई डेफिनेशन के हवाले से ये बात ठीक है। अब हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन है, इसकी रीडिंग कर लीजिए, देखिए जो कुछ लिखा हुआ समझ आता है कि ना। Thank you.
जी रीडिंग के दौरान में कोई क्वेश्चन सामने आया हो जहन में आया तो पूछ लीजिए वन बाय वन। जी मेरे भाई क्या चीज परफेक्ट एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे अभी ठीक है परफेक्टली लास्ट वीक में जी नहीं एग्जांपल के साथ नहीं कहेगा एग्जांपल का कंसेप्ट अलहदा से टेस्ट करता है उसे हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है उसमें हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया है डायग्राम के जरिए से। नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन सिखानी है उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल्स की तरफ लेके जाना है। अभी पहले कंसेप्ट बिल्ड हो जाए फिर एग्जांपल की तरफ बाद में चलेंगे। जी आप इधर कोई क्वेश्चन था आप में से किसी का? जी जी ये डी हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी ऊपर आएगा डिमांड कर्व। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसा तो कर्व डिमांड कर्व कभी देखा ही नहीं है लेकिन देखें ये केस और ये केस ये दोनों एक्सट्रीम केस है। नॉर्मली प्रैक्टिकली ये केसेस देखने में नहीं आते थ्योरेटिकली इनको हम डिस्कस करते हैं ठीक है इसीलिए इनका कर्व अगर कभी बने तो इस तरह का होगा परफेक्टली इनलास्टिक का बिल्कुल स्ट्रेट होगा वर्टिकल और परफेक्टली इनलास्टिक का वर्टिकल होगा जो परफेक्टली इलास्टिक है इसका हॉरिजॉन्टल होगा। जी जी नहीं डी को नीचे लिखते हैं लेकिन ये असल में इधर नहीं लिखे वो ऊपर ही ठीक है ये कर्व ऊपर को जा रहा है हाँ ये शो ये कर रहे हैं कि ऊपर को जा रहा है इसका एंड ऊपर को है। जी और की क्वेश्चन जी हाँ एरो अपनी मर्जी से शो कर सकते हैं आप इस एरो को डाउनवर्ड और इसको दूसरी डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं लेकिन जहन में रखना किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी फर्क कुछ नहीं पड़ता इससे दोनों ठीक है। ठीक है वो आई कैप एग्जामिनर ने सिर्फ ये देखना है कि क्या प्राइस में चेंज बड़ा और डिमांड में चेंज छोटा ये नजर आ रहा है उसको ये नजर आ गया इसका मतलब डायग्राम करेक्ट है। जी और कोई क्वेश्चन?
हाँ बिल्कुल साथ लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल साथ हो सकता है। नहीं उसको मैथमेटिकली ना देखें इसको, ठीक है इसको मैथमेटिकल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल क्लोज टू जीरो है ये ऐसे है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस है कि इसको साथ हम टच करवाते हैं, लेकिन बाकी के कर्व जो है वो हम साथ में टच नहीं करवाते हैं। एक्स एक्सिस हम एक्सिस के वो देखिए वो मैंने दरमियान में आके हमें छोड़ दिया, किसी को साथ नहीं मिलाया मैंने। और की क्वेश्चन एंड में पास रुपए के क्वेश्चन पढ़े आपने। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अब देखें जिस दिन हमने कोई डायग्राम नहीं बनाई उस दिन हमने इकोनॉमिक्स में कोई कंसेप्ट नहीं सीखा, असूल पता ना आपको। तो आप ऐसे ही अगर घर चले जाएंगे डायग्राम बनाए बगैर, घर वाले पूछेंगे भी इकोनॉमिक्स सीखने के लिए भेजा था तुम्हें, क्या सीख के आए हो, तो आप क्या कहेंगे कुछ भी नहीं। तो अब ऐसा कीजिए कि आप परफेक्टली इलास्टिक डायग्राम रहने दीजिए, परफेक्टली इलास्टिक डायग्राम रहने दीजिए और इन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक ये डायग्राम बनाइए, तीन डायग्राम अभी बनाइए, आपकी डायग्राम मैं चेक करूंगा और हसबे मामूल उसमें गलतियां निकालूंगा और गलतियां तो कंफर्म होंगी। ठीक है जी बिल्कुल शुरू हो जाए, आपके पास तीन मिनट हैं, तीन मिनट के बाद मैंने चेकिंग शुरू कर देनी। जी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। डिमांड कर्व इन इलास्टिक, ठीक है यूनिट इलास्टिक, ये देखिए हमें लेबलिंग नहीं की, एंड पे डी नहीं लिखा। डिमांड कर्व ठीक है, शाबाश जी दिखाइए, ये दिखा दीजिए यूनिट इलास्टिक प्राइस ऑफ डिमांड में, बिल्कुल ठीक है शाबाश बेहतरीन है, लेस देन वन ठीक है शाबाश। भैया डिमांड ठीक है लेस देन वन ठीक है ग्रेटर देन वन ठीक है। भाई आपका यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक ये कर्व का स्लोप एक जैसा ही है तकरीबन, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ठीक है। ये यूनिट इलास्टिक वाला आपका थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा आपको सीधा करना पड़ेगा, इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा बन गया, इसको ज़रा देखें और कोशिश करें कि फ़र्क वाजे हो इन इलास्टिक। करेक्ट करेक्ट ठीक है
ठीक है, शाबाश। ये ग्रेटर देन वन, ठीक है। डिमांड अगर ज्यादा है तो ग्रेटर देन वन है, डिमांड अगर कम है तो वो इनइलास्टिक, लेस देन वन आ गया। ठीक है, ठीक है, सही कर रहे हैं आप तकरीबन सारे, ठीक है, बेहतरीन है बेटा, बस बेहतरीन है, ठीक है, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नज़र नहीं आई मुझे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आपने घर से ये तीन तीन दफ़ा डायग्राम बना के लानी है, पांच डायग्राम तीन तीन दफ़ा, ठीक है, पांच नहीं पंद्रह, पंद्रह डायग्राम आपने बना के लेके आनी है।